नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना मद्देशिया। चंदौली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को मुख्यालय स्थित नवीन कृषि मंडी के समीप जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने चारों विधानसभा के प्रत्याशियों के लिए लोगों से वोट मांगा। सरकार के विकास कार्यों का बखान किया। बोले, विपक्षी दलों ने माफियाओं व गुंडों के साथ गठबंधन किया है, लेकिन हमारा जनता के साथ गठबंधन है। भाजपा के मजबूत गठबंधन के सामने उनका गठजोड़ टिक नहीं पाएगा। भाजपा शानदार जीत हासिल करेगी। इस बार होली 10 मार्च से ही शुरू हो जाएगी। पीएम ने भोजपुरी में भाषण की शुरुआत करते हुए कहा, चंदौली के सब लोगों के हमारा प्रणाम। चंदौली बाबा कीनाराम व लाल बहादुर शास्त्री की धरती है। भाजपा सरकार ने महाराजा सुहेलदेव के योगदान को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। परिवारवादियों को वे चुनाव के वक्त ही याद आते हैं। परिवारवादियों व राष्ट्रवादियों में यही अंतर है, वो जनता का अपमान करते हैं। हम लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं। हमने वोट बैंक की राजनीति की बजाय आपसी भेदभाव मिटाकर सबका साथ सबका विकास को राजनीति के केंद्र में रखा। कोरी घोषणाओं की बजाय जरूरतमंदों तक योजनाओं का पहुंचाने का काम किया। उन्होंने कहा कि गरीबों के बैंक खाते में सीधे पैसा भेजने का काम किया। छात्रों के खाते में वजीफा, गैस सब्सिडी व पेंशन का पैसा उनके खातों में पहुंच पा रहा है। इस बार भी आपका वोट सुशासन वाली सरकार की वापसी कराएगा। हमने हर नागरिक की चिंता की और उन्हें मुफ्त कोरोना टीका लगाया। 14,000 गरीबों के पक्के घर का सपना पूरा किया। 2.25 लाख गरीब बहु बेटियों के चूल्हे का धुआं हमें तकलीफ देता था, उन्हें मुफ्त गैस सिलेंडर व चूल्हा दिया। गरीब महिलाओं की इज्जत व सम्मान की फिक्र करते हुए शौचालय बनवाए। गरीब परिवार में यदि कोई बीमार पड़े तो अस्पताल ले जाकर इलाज कराइए। 5 लाख मोदी देगा। परिवारवादियों का लक्ष्य सत्ता भोग कर रहा, हमने सेवा भाव के साथ काम किया। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले काफी दिनों तक सत्ता पर काबिज रहने वालों ने चंदौली को पिछड़ेपन का दाग दिया। भाजपा के शासनकाल में कई उल्लेखनीय काम किए गए। पहले की सरकारें चंदौली के महज 10,000 किसानों को धान खरीदती थी। योगी सरकार ने 50,000 किसानों का अनाज खरीदा। डबल इंजन की सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। इसका परिणाम है कि चंदौली का काला चावल 400 रुपए किलो में बिक रहा है। चंदौली से एक्सप्रेस वे गुजरेगा, इससे किसानों के फल सब्जी चंद घंटों में दिल्ली और कोलकाता पहुंच जाएंगे। पीएम ने मंच से मतदान के लिए भी जागरूक करते हुए कहा कि पहले मतदान फिर जलपान करना है। साथ ही जनता से अपील की है कि घर घर जाकर लोगों तक मेरा प्रणाम पहुंचाए। वहीं उनसे 7 मार्च को बूथों पर जाकर मतदान करने की भी अपील करें। मेरा हो कि गरीबी समृद्धि हो, जहां मान सम्मान और जीवन खतरे में होगा वहां विकास संभव नहीं होगा। अपने 5 साल पहले ऐसे ही दिन जिए, अराजकता गुंडागर्दी थानों स्कूलों सरकारी विभागों में भारी बढ़ी जाएगा। इसके सबसे बड़े भुगतान होगी हमारे गरीब, हमारे पिछड़े परिवार होते हैं, हमारे घर बेटियां होती। जब गरीब की सुनवाई होती, जब कलात्मक परिस्थिति के नाम पर कर्मचारियों का, शिक्षकों का शोषण होता है, तो वो कैसे आगे बढ़ेगी। इसलिए यूपी राज कानून के राज को, नियमों के राज को भी प्राथमिकता दे रही है। 10 मार्च के बाद यूपी के विकास का अभियान और तेज किया जाएगा। भाई बहनों, इस बार भी होली 10 मार्च से शुरू हो जाएगी। पूरा यूपी मैं जब आए इतनी बड़ी रैली देखा, दूर दूर नजर आ, कितने दूर में लोग नजर आ रहे और ऊपर भी नजर आ रहे। अब इतनी बड़ी रैली हो गई तो आपको थोड़ा लगता होगा ना, मोदी जी आ गए, केसर जी आ गए, इतनी बड़ी रैली हो गई, आप तो बात हो गया ऐसा करोगे, इतना बढ़िया होगा।